आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दर्शिका एंटरप्राइजेस द्वारा पुष्पांजलि विहार एक्सटेंशन कारगिल सिकंदरा पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी उकाया का शोरूम खुल गया है। युवाओं की सुविधा के लिए स्पीड कंट्रोलर के साथ लोकेशन के लिए GPRS लगाया गया है। इस मौके पर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही शोरूम के मालिक आशीष जैन, अंकुर जैन और अन्य लोग मौजूद रहे। दर्शिका एंटरप्राइजेस द्वारा खोले गए उकाया कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के नए शोरूम का उद्घाटन लोकप्रिय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा किया गया। शोरूम के मालिक अनुज जैन ने बताया कि आए दिन बढ़ती पेट्रोल की कीमत ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। तब से लोगों का रुझान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के बारे में लोगों ने गलत अफवाह उड़ा रखी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में आग लग जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की एजेंसी ली है, एक ओकाया कंपनी है, हाँ ओकाया कंपनी है, उनने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का निर्माण शुरू किया और हमने उसको देखा, समझा, उसके बाद उसको लिया है। क्योंकि आज की डेट में दौर है कि पेट्रोल की बहुत महंगाई और पेट्रोल की वजह से परेशानी है, लोग बहुत परेशान इसलिए है कि पैसे की व्यवस्था खराब हो रही है, कोरोना काल से जब से उठ नहीं पाया आदमी, तो अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इसमें पेट्रोल की व्यवस्था की जरूरत नहीं है और आपको हमारी अपनी बैटरी की गारंटी 3 साल की दी गई है और हमारी जो गाड़ी की कीमत है वो 62,000 से लेकर 90,000 रुपये तक की है, हर किलोमीटर के हिसाब से इसमें तय है। और हम उम्मीद करते हैं पहले देखें, समझें चीज़ को, फिर उसके बाद उसकी ट्रायल लें और उसके बाद आप उसको परचेस करें, समझें। जो बाज़ार में जो रूमर उड़ी हुई है आग लग जाती है गाड़ियों में, वो बैटरी ड्राई नहीं थी, वो केमिकल वाली बैटरी थी, उसमें केमिकल डाला जाता था और तेजाब की वजह से वो जल जाती थी और फट जाती थी। हमारी गाड़ी ड्राई है, इसमें कोई आग लगने का कोई वजह नहीं है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी हमारी बहुत अच्छी और बढ़िया है, उसको पहले अपने हिसाब से चेक करें, देखें, समझें और फिर उसके बाद। आज के दौर में जो पेट्रोलों के दाम बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट भी यही चाहती है और हम लोगों को भी यही देखना है कि आगे हम इलेक्ट्रिक स्कूटर का चलन चालू हो जाए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बढ़ते हुए दाम आए हर समय दाम बढ़ते जा रहे हैं और आज की रेट में मैं मानता हूँ 97-98 रुपये पेट्रोल है, अभी रेट कम होंगे 110 से, बट आगे आने वाले समय में ये रेट 110-115 से ऊपर जाएंगे, 110-115 से ऊपर जाएंगे, रेट दम बढ़ते जा रहे हैं। आगरा में हमने आगरा मंडल में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है और हम आगे अब आगरा में करीबन 20 डीलर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आगरा के हर एक क्षेत्र में, हर एक कोने में हम इलेक्ट्रिक स्कूटर का डीलर बनाएं, इलेक्ट्रिक स्कूटर के डीलर बनाएं और हर एक कोने में इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक चलन चालू करवाएं। उकाया कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी ड्राई बनाई गई है जिससे आग लगने के चांस ना के बराबर रह जाते हैं। वहीं उनके बेटे अंकुर जैन ने बताया कि देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर युवाओं के लिए सुविधाजनक है।